منتج بين الهدى في المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرزيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلوات بلند و سلام الله. عزیزان گرامی قدر و محترم مکرم سامعین حضرات، قرآن مقدس سے جس فرمان ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ التوبہ کی معروف آیہ مبارکہ ہے جس میں عالمین کا پروردگار کائنات میں رزق حیات تقسیم کرنے والا اللہ بنی آدم سے، اولاد آدم سے ایک سوال کر رہا ہے. ذہن میں یہ نقطہ محفوظ رہے، سوال دو نوعیتیں رکھتا ہے. ایک دفعہ جاہل اپنی جہالت کو مٹانے کے لیے عالم سے سوال کرتا ہے تاکہ وہ جواب پا کر اپنی جہالت میں کمی کرے. ایک دفعہ عالم جاہل سے سوال کرتا ہے تاکہ اس کی فکر کو جھنجھوڑ کر اس تک علم کو منتقل کیا جا سکے. ذہن عالی میں رکھیے گا کہ یہاں سوال کرنے والا وہ ہے کہ جس کے علم کا مظہر علی ہے. سوال کرنے والا وہ ہے جو علیم بکل شے ہے، اس کے احاطہ علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں. یہاں سوال کرنے والا وہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ وہ اللہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے اور ارادوں سے بھی آگاہ ہے. یہاں پر سوال کرنے والا وہ ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی میں کہہ رہا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ، کہ کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ بڑھ کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور فرمائیں گے مجھے تیزی کے ساتھ سفر کو طے کرنا ہے جس کے لیے مجھے توجہات چاہیے. یہاں پر سوال کرنے والی وہ ذات ہے کہ عرش علا سے لے کے تحت الثرا کے ذروں تک کوئی شے بھی اس اللہ کے علم سے اور اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ان تبدوہ شیئن او تخفوہ، تم کسی شے کو ظاہر کر دو
या तुम किसी भी शय को मख्फी रखो, यालमुल्लाह वो अपने जैसों की निगाहों से छुपा सकते हो लेकिन अल्लाह उस शय को जानता है। तुम किसी शय को जाहिर करो या किसी भी शय को पोशीदा रखो, अल्लाह उससे आगा है। इरादा तुम्हारे दिल में है, मुझे नहीं पता आपका इरादा क्या है, आपको नहीं पता मेरा इरादा क्या है। नीयत मख्फी होती है मगर हमसे मख्फी है। इरादे को जानने वाले से कोई शय मख्फी नहीं है। अब जुमला बढ़ करके कहना चाह रहा हूं, वो चूंके सीनों के अंदर छुपी हुई बातों से भी आगाह है। इसीलिए तो मिंबरे खदीर पे नबी से कह रहा था, तू अली की विलायत का ऐलान कर, शर पसंदों के शर से हम बचाएंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे लोगों की शर से बचाएगा। तो जो फरमा रहे अल्लाह ने वो करा, तो वो सवाल करने वाली जात, यकीनन यहां पर सवाल उस नौयत का नहीं है कि यहां पर अपने इल्म में कोई इजाफा करना, नहीं, यहां अली में मुतलक इंसानों की फिक्र को झंझोड़ना चाहता है। आरज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुमने इस बात पर रजामंदी अख्तियार कर ली, जो है या नहीं, क्या तुम इस बात पे राजी हो गए कि हयात दुनिया को तुमने पसंद कर लिया और आखिरत की जिंदगी को छोड़ दिया। सूरत अराज़ी तुम मेरे हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुमने आखिरत के बदले में हयात दुनिया पर रजामंदी को जाहिर कर लिया, दुनियावी हयात पर तुम राजी हो गए और आखिरत को तुमने फरामोश कर दिया। ये सवाल कर रहा है परवरदिगार, अराज़ी तुम मेरे हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम हयात दुनिया पर राजी हो गए और आखिरत पर अमोश कर गए। साथ ही कुरान कहता है, मा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, तुम्हारी दुनिया की हैसियत ही क्या है, तुम्हारी इस कायनात की हैसियत ही क्या है, तुम जो कुछ भी दुनिया में कमा लो इसकी हैसियत क्या है, तुम अरबों खरबों के मालिक भी हो जाओ तो क्या है। मा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, ये तुम्हें आखिरत में जाके पता चलेगा जो कुछ दुनिया में कमाया था ये तो बहुत थोड़ा था। अल्लाह अल्लाह मां बताओ हयात दुनिया, ये तो मतलब दुनिया है तुम्हारे पास, किस पे इतरा रहे हो, इतना कमा लिया अब हमसे बड़ा तवंगुर कौन है, इतना इल्म हासिल कर लिया मुझसे बड़ा आलिम कौन है। मां बता और हयात दुनिया पे आखिरा इल्ला कलील, ये तो तुम्हें आखिरत में जाके पता चलेगा कि जो मताए दुनिया थी ये बहुत थोड़ी थी। तो जो फरमाया जाता है क्योंकि वक्त की नजाकत को भी पेश नजर रखते हुए मताने वाक्य लाने आ गया तक मुकम्मल सफर करने एक इशारे सवाब की वजह से, और मैं चाह रहा हूं कि फिक्र हमारी उसी जानिब मुतवज्जे हो जाए ताकि इस मदरसे इमाम हुसैन के सदके में हम इस आलम सफरी में रहकर आलम नूर के बारे में फिक्र कर। क्या तुमने दुनिया के बदले में आखिरत का सौदा कर लिया, यानी तुम दुनिया के इवज आखिरत को फरामोश कर गए और दुनिया पे राजी हो गए। मां बता और हयात दुनिया फिर आखिरत इल्ला कलील, जो कुछ भी दुनिया का कमाया होगा तुम्हारे पास है वो आखिरत में बहुत थोड़ा, कितना थोड़ा होगा, तवज्जो करेंगे। अब जिसे अल्लाह कलील कह रहा है दुनिया में उसे कसीर भी कहे, जिसे खुदा कलील कह रहा है दुनिया में उसे कसीर भी कहे तो उसकी कसरत कोई फायदा देने वाली नहीं है। अब कोई अरबों खरबों का माल लेके आखिरत में पहुंच गया और ये मताए दुनिया वहां ले जाकर मीजान आमाल पर खड़ा है और मीजान आमाल पर जब आमाल को तोड़ा जाने लगा वहां पर मीजान आमाल में नेकियों के पड़े में एक नेकी कम थी, खुदा ने कहा ये पूरा माशर तेरे सामने है, जाओ पूरे माशर में से एक नेकी खरीद के लाओ और मैदान ले जाओ। अब ये पूरी मताए दुनिया को देकर भी चाहे तो नेकी नहीं ले सकता।
बात यह बात क्या नहीं है, पता चला कि ये कितना कम है, ये बताए दुनिया क्या है। अल्लाह अकबर। मकतबे अहले बैत का एक शागिर्द है, दुनिया जिसे दीवाना कहती है मगर वो आले मोहम्मद उसे दाना कहते हैं। किसी मंजर पे जुमला मैंने कहा था मगर आ गया है तो आपकी समातों के लिए हत्या करना चाहता हूं। अहले विलायत का मजमा है, दुनिया जिसे दीवाना कहती थी उस माशरे में उससे बड़ा दाना कोई नहीं था। और जहन में रखना मेरा मोहतरम में जुमला और हमारे पास मजमा तशरीफ फरमाए और रुमा के चाहने वाले अल्लाह तशरीफ फरमाए और करेंगे। हमारे मकतब में पागल को दीवाना नहीं कहते, बात पहुंचे। हमारे मजहब में, हमारे मकतब में दीवाने को पागल नहीं कहते या पागल को दीवाना नहीं कहते, बल्कि जहन में रखना जब इंसान इस मोहब्बत का सफर करते करते बहरे विलायत अहले बैत में गोता जन हो के दीवाना हो जाता है तभी तो वो फकाहत के मरतबे में पहुंच जाता है। हजरत बहलोल, बहलोल का नाम तो सुना है ना आप जनाबे, बहलोल पता कुछ लोग बहलोल या बहलोल कहते नहीं, बहलोल है पेज ऊपर पेज है। हजरत बहलोल तो कहते दीवाना है, लकड़ी का घोड़ा बना के चल रहा पूरे बाजार। और जहन में रखिएगा अली की सल्तनत के गवर्नर इसी तरह से हुकूमत करते हैं, लकड़ी के घोड़े पे बैठा हुआ, तमीज पहनी हुई है, लिबास फटा हुआ है और बाजारों में निकल के लोगों के मसले हल कर रहा है। ये मकतब अहले बैत के शागिर्दों का काम है ना, तवज्जो ये नहीं है। ये एक मंजर दिखाया था ना, जब सुलेमान ने भी दिखाया था ना, हजरत सुलेमान मोहम्मदी, सुलेमान मोहम्मदी जब मदाइन में चले गए तो अगले दिन लोगों ने कहा जी आप कैसे गवर्नर बताए, माशाल्लाह रात को आपने मुबारक कदम डाला है, सुबह चोरियां ही चोरियां। अच्छा चोरियां होंगी जी। हजरत ने कहा कि आज रात को जब सोना तो घरों के दरवाजे बंद ना करना। कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है, मैं इसलिए अक्सर अर्ज करता हूं कि फजाइल और वलायत सुनने का शौक बहुत सारों को होता है, पहुंचता कोई कोई ना। अच्छा वो कह जाते जी चोरियां हुई तो कहना तो ये चाहिए था कि दरबार बैठा हो दरवाजे बंद और उसी तरह से। हजरत ने कहा कि ठीक है जाओ रात को जब सोना तो सबके दरवाजे खुले हो। पूरे शहर में किसी का दरवाजा बंद ना हो। लोगों ने कहा जब गवर्नर साहब का हुक्म है क्या कर सकते, दरवाजे खुले हुए। लोग जब चले गए सरकारी सुलेमान ने मदायन के कुत्तों को बुलाया, राजा में खबर मिली है कि रात शहर में चोरियां बहुत हुई, बस हम इस शहर का हिफाजत का निजाम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, नहीं पहुंचे आप, हम इस शहर की हिफाजत का निजाम जो है वो तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, और अगर रात को किसी के घर में चोरी हुई तो फिर तुम जानते हो कि मैं अली का बोला हूं। और रात को दरवाजे खुले हैं और वो जितने आवारा कुत्ते फिरने वाले थे सुलेमान ने सबको ड्यूटी पे लगाया हुआ, जब सुबह जब आए तो अमन अमान, किसी के घर में कोई चोरी नहीं हुई। तो बोले ये क्या हुआ, कहा इतने मसले के हल के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, इतने काम तो हम कुत्तों से ले लेते हैं। इसी का कजन हारून वो खलीफतुल मुस्लिमीन बना हुआ है, अब ये लकड़ी के घोड़े पे बैठ के आता है बाजारों में फिरता है, लोग भी हैरान है कि ये अजीब पागल है, खुलिया पागलों वाला है और काम दानाओं वाले हैं, किसी का कोई मसला ऐसा नहीं जो हल ना हो। जनाब बहलोल आए दरबार में, ये मेरे की आराधी को मेरा हयात दुनिया, ये जेन रहे कि आखरत के बदले में तुम दुनिया की हयात पर राजी हो गए हो और इसी पे तुम फख्र किए जा रहे हो। जनाब बहलोल जब आए तो हारून ने कहा मेरी इतनी सल्तनत है, मेरे पास इतना पैसा है,
मेरी खिलाफत की हुकूमत की हदें फला फला जगह पे। रबे बोलो ने कहा अच्छा अकबर कितनी हुकूमत है। अच्छा ये बताओ कि तुम कहीं जंगल का सफर कर रहे हो, शिकार पे निकले हुए हो और वहां पे तुम अकेले रह जाओ और खा रहे थे तेरे गले में लुकमा अटक गया और दूर दूर तक पानी नहीं था क्योंकि एक घूंट पानी चाहिए और एक शख्स जिसके पास पानी था तुमने पानी मांगा उसे कहा कि नहीं पानी तो तब दूंगा अगर आधी हुकूमत मुझे दे। नहीं पहुंचा पाया होगा कहा कि वो तुम्हें ये कहे कि आधी हुकूमत मुझे दे क्या करोगे हाँ मैं दे दूंगा जान बचाने के लिए। तवज्जो हो जाओ हमने तुम्हें तीन तलाकें दे दी अब इसके बाद रजू नहीं होता और ये नहीं है।
और फिर जिसे मौला तलाक दे दे गुलाम के लिए जेबा नहीं है कि उसी से निकाह करे। अब जो है या नहीं है बलागा का खुतबा नंबर 80 इमाम इसी तरफ लेके आ रही है। दुनिया क्या है मौला फरमाते हैं जिसको तुम समझ रहे हो जिसके बदले में सौदे कर रहे हो, इसी में गुफ्तगू शायद रोक भी दूंगा क्योंकि आधा घंटा गुजर गया तकरीबन, जिसके बदले तुम आखिरत को बेच रहे हो जिस दुनिया के बदले में, क्या है ये? अमीर उल मोमिनीन खतीब मिंबर सलूनी हकीकत अशिया का औलम अली मशीयतुल्लाह अली अल्लाह के इरादों से वाकिफ अली कायनात के खदानों को अपने पांव की ठोकर में रखने वाला अली ये बड़ा अजीब सा मसला है कि जुमे के खुतबे में भी कहा जैसे कुछ फलाए पढ़ता हूं चेहरे उतरने लगते हैं। ठोकर में रखने कायनात के खजाने ठोकर में रखने वाला अली, तो अली फरमाते मा असिब मिन दारिन, तुम अली से आगे पूछते हो दुनिया की सिफतें बयान करो, इस घर की दुनिया की क्या बस बयान करो, तवज्जो है जाने बजने मेरे साथ। मा असिब मिन दारिन अली फरमाते मैं इस दुनिया की क्या सिफत बयान करूं, अब चलो चले गए। अब वो भी क्या मुहाफिज था,
उसने मौला के घोड़े की लजाम उतारी। ठीक है, अब देखो कि घोड़ा मिजाजी अली से कितना आशना था। घोड़ा नहीं भागा, पता नहीं आप घोड़ा नहीं भागा, घोड़े नहीं अकड़ा। वो लजाम लेके बाजार गया, बाजार में जाके उसने दो दिरहम की लजाम किसी को बेची, दो दिरहम पॉकेट में डाले। अली मौला जब नमाज से फारग हुए तो मौला जब वापस आ रहे थे तो हजरत ने अपनी कबा की पॉकेट में हाथ डाला, दो दिरहम दिया, कहा कि उसने मेरे घोड़े की हिफाजत की है, उसे दो दिरहम दे दो। उसे दो दिरहम देता हूँ, हालांकि मजदूरी तय नहीं हुई थी। मौला नमाज पढ़ते पढ़ते कहा कि उसने हिफाजत की, इजाफत की, चलो दो दिरहम उसे बतौर इनाम के देता हूँ। अच्छा, इमाम जब बाहर आए तो कहते थे घोड़ा है और लजाम है ही, ये क्या हुआ, और मुहाफिज भी नहीं। हजरत ने घोड़ा पकड़ा, घर पहुंचे, घर पहुंच के कंबर को कहते कंबर ये दो दिरहम लो और बाजार जाओ और घोड़े के लिए एक लजाम लेके आओ। मौला वो कहा, वो वहां नमाज पढ़ रहे थे तो कोई ले गया। अच्छा, कंबर जब बाजार कूफा में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि एक दुकान पे वही लजाम लटक रही है। कंबर आशनाए अली है, कंबर इसीलिए तो कंबर है, कंबर इसीलिए तो कंबर है कि कंबर की जिंदगी का एक दिन भी सोहबत अली में आने के बाद अली के नक्शे कदम से हटा नहीं है। समझो भैया, कंबर ने देखा था ये लजाम तो मौला के घोड़े की, ये यहां क्या कर रही है। वो दुकान के पास गया, दुकानदार के पास जाके ये लजाम तो हमारी है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। अभी अभी कोई बंदा आया था तो वो दो दिरहम ही बेच के चला गया। क्या क्या कीमत है, कहा ये दो दिरहम। कंबर ने दो दिरहम दिए, लजाम ने वापस आए। इमाम ने देखा, कहा ये तुम्हें कहां से मिली। मौला मैं बाजार खरीदने के लिए गया था तो एक दुकानदार के पास ये थी, उसने कहा कि भी अभी कुछ शख्स आया, उसने दो दिरहम भी बेची। अली फरमाते मुझे कितना अफसोस हो रहा है उस शख्स पर कि जिसने हलाल के दो दिरहम को हराम से बदल दिया। आज उसका मुकद्दर वही दो दिरहम थे जो उसे मिले थे, लेकिन उसने हलाल को हराम से बदल दिया। तो फरमाते अली फरमाते फी हलाल का हिसाब, इसके हलाल में हिसाब है, फिर हराम हा इकाम, इसके हराम में इकाम है, सख्ती सजा है। उसके बाद दोनों होते मरने तागना, जो भी दुनिया में गरीब हो गया इतना उसके पास आ गया उसे किसी की जरूरत नहीं रही। अगर मरने तागना को तेन, जो गरीब हो गया वो फितरों में मुबतला हो गया। ठीक है, वो फितरे उसके लिए खड़े हो गए, कहां से कमाया था, कहां से लाए थे, चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। जो गनी है वो फितरों में मुबतला। खुद पर अमरसी घरों में जाके देखिएगा, उसके मामलों और जो दुनिया में मोहताज है, फकीर है, वो गमगीन है, वो गमों में डूबा हुआ है। अगला जुमला मेरे मौला ने बहुत अजीब कहा है, अजीब है मोहतरम, इसलिए कि कलाम में अली है और कलाम और इमाम, इमाम और कलाम, मौला का कलाम कलामों का इमाम होता। अली फरमाते जिसने इस दुनिया ने उसे अंधा कर दिया, जिसने दुनिया को देखा दुनिया ने उसे अंधा कर दिया, और जिसने दुनिया के जरिए देखा इसने उसे बाबसीरत कर दिया। ठीक है, दो मुखले मानी है, कहा कि एक जिसने दुनिया को देखा, फकत दुनिया को देखा, अंधा कर दिया दुनिया ने उसे, और जिसने दुनिया को वसीला बना के देखा दुनिया ने उसे बावसीरत कर दिया। कहा कि जो दुनिया के पीछे भागा दुनिया उससे बहुत आगे निकल गई, और जो दुनिया से दामन छुड़ा के चला गया दुनिया उसके पीछे आने लगी। जिसने दुनिया के जरिए से देखा वो बावसीरत होगा। किस दुनिया के इवज आखिरत का सौदा कर रहे हो, उस दुनिया के इवज के जिस दुनिया ने हुसैन जैसे इमाम को कफन न दिया, रहमत तमाम कर दी।
दुनिया की बस, इस दुनिया पे रजामंदी जाहिर करके परवरदिगार की मासियत कर रहे हैं, उस दुनिया की बस कि जिस दुनिया ने उस खानदान को रुलाया जिस खानदान से बेहतर खानदान नहीं था, होने वाला था। देखिए जनाजा मजलिस के इशारे सवाब है ना, बरसी के हवाले से मजलिस होगी वाले पर, मगर जनाजे जब घरों से उठते हैं ना तो बड़ी शानो शौकत से जनाजे उठते हैं। बहुत जो करीबी होते हैं उन्हें फोन करके या बंदे भेज के इतला दी जाती है, और बाकी आम लोगों के लिए फिर मस्जिद के स्पीकर से ऐलान करवा दिया जाता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे ऐलान हो जाता है कि फला जगह पे फौतगी हो गई है, और फिर लोग जिनका भी ताल्लुक होता है उस घर के साथ लोग वहां पहुंचते हैं, माएं बहने बेटियां भी आती, मर्दों को मर्द दलासे दे रहे होते हैं, औरतों को औरतें दलासा दे रही होती, जनाजा किसी गरीब से गरीब का भी होगा तो उसमें भी कम अज कम मोहल्लेदार लाजमी शिरकत करते हैं, परदेशी का किसी गरीब और वतन का जनाजा हो तब भी लोग कहते हैं यार परदेशी कोई मर गया है, पता नहीं अब इसका वारिस कौन है, चलो चंदा जमा करो, कफन का इंतजाम करो, और इसको मुसलमान है ना। पांच जनाजे उठे हैं आले मोहम्मद के घर से, बस मुझे इसी पे गुफ्तगू को रोकना है अभी, तो पंजतन है ना, पंजतन की बज़्म है, और पांच ही जनाजों का मुख्तसर हाल मैं पढ़ना चाह रहा हूं। 11 हिजरी बुतूल के घर से उठा रसूल अल्लाह का, पहला जनाजा 28 सफर 11 हिजरी या 12 रबीउल 11 हिजरी, अहले सुन्नत के मुताबिक 12 हमारे नजदीक 28 सफर, कायनात के सैयद और सरदार का जनाजा उठा, जो करो किस दुनिया के वल आखिरत को बेच रहे हो, रसूल खुदा का जनाजा उठा, कितने लोगों ने शिरकत की, कितने लोगों ने रसूल के जनाजे में शिरकत की, पहला अली, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और चंद दीगर अफराद जिन्होंने पहला जनाजा पढ़ा, आले मोहम्मद ने यह जनाजा में खुफिया अंदाज में दफना दिया। और उजबरा दूसरा जनाजा 3 जमादी उस्सानी नबी की बेटी का उठा,
शामिल करते हुए सूरह अल-फातिहा।